मुंबई के हमले की सबको याद है, 26 नवंबर के संविधान की याद नहीं है, उसकी वजह यह है कि यह हमारे डिस्कोर्स का कभी हिस्सा बना नहीं। इसलिए मैं मानता हूं यह हमारी मुहिम का हिस्सा है, हम दुनिया भर में इसके बारे में बात कर रहे हैं, सरकारों से जितनी बात करनी चाहिए उतनी हमने बात कर ली है, क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर के अंडर में आता है, उन्होंने मूलतः हमारी बात मान ली है। हमने उनसे एक ही बात कही कि आप कुछ नया काम करें वो अलग बात है, लेकिन जो पुराना काम है उसको एज इट इज ही आगे बढ़ा दें तो भी हमारा पूरा हो जाएगा। भारत के संविधान में, और यह घटना यूपी वालों को इसलिए पता होनी चाहिए कि जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में तोड़ा गया तो मंदिर टूटने के बाद पूजा पाठ बंद हो गया था। आज बनारस में उनका बेटा गली गली जाना जाता है। उस वक्त जब ये मंदिर वहां टूटा तो पूजा बंद हो गई, तो उसमें एक जैन साहब, उन्होंने एक बारीक पॉइंट निकाला और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दी और कहा कि संविधान में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक जीता जागता पुरुष है। मैं जिस भगवान राम की पूजा निरंतर पिछले 60 सालों से मेरे परिवार में हो रही है, यह राज्य का स्टेट का काम है कि मेरी पूजा में जो विघ्न पड़ा है उसको दूर करे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी बात मानी और 24 घंटे में यह आदेश दिया कि ये जो बाबरी मस्जिद जहां ये टूट गई है, समाप्त हो गई है, वहां पूजा नहीं हो रही है, तत्काल प्रभाव से भगवान राम को किसी टेम्परेरी जगह रख करके पूजा की शुरुआत की जाए। और ये मैं किसी एक संदर्भ में बता रहा हूं आपको। मैं फिर वो टेंट में भगवान राम की मूर्ति रखी गई और फिर पूजा निरंतर जारी रही। उस वक्त ये सवाल उठा और बात खत्म हो गई। लेकिन आपका संविधान जब सब कुछ पूरा बन चुका था, तब आप ही के लोगों ने, खासतौर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी आर अंबेडकर के बीच की मंत्रणा है, तब यह हुआ कि उसका जो पहला पेज है जिस पे यह लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यह पहली लाइन है आपके संविधान के पहले पन्ने की। तब अंबेडकर ने यह कहा कि यह लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यह इंडिया का संविधान है, इसमें भारत कहां है? क्योंकि आज भी आपके संविधान के 1860 का पुलिस का कानून चल रहा है, 1861 का एविडेंस कानून चल रहा है, कुल मिलाकर के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कार्बन कॉपी है आपका संविधान। और आप कहते हैं हम आजाद हो गए हैं, यह आजाद भारत का संविधान है। तब अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्या हम इस संविधान में भारत को कैसे समाहित कर सकते हैं? और फिर उसके बाद तय हुआ कि बंगाल में शांति निकेतन एक जगह है, वहां से एक जाने माने आर्टिस्ट नंदलाल बोस जी को बुलाया गया। नंदलाल बोस जी ने एक टीम बनाई और मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले श्री राम मनोहर विहोर साहब उसमें शामिल थे, जिनका 2007 में देहांत हुआ, उनके परिवार से मैं मिलकर आया हूं, बहुत सारे तथ्य पता चले। और यह कहा गया कि यह जो संविधान है, इस संविधान में जहां फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, जहां ड्यूटीज की बात की गई है, अलग अलग जगह हमारे हजारों साल के इतिहास में उस वक्त क्या परंपराएं थी, उन परंपराओं को चित्रों के माध्यम से हम इसमें समाहित करेंगे। भारत के संविधान के पहले पेज पर सबसे ऊपर उस नंदी की तस्वीर बन रही है जिस नंदी के सामने 450 साल से जिहादी कुल्ला कर रहे हैं।
उसी के पेज नंबर 5 पे माता सीता, लक्ष्मण और राम की तस्वीर बन रही है, कृष्ण की तस्वीर बन रही है, उसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, उसमें छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है। अगर यह संविधान की वो कॉपी उस वक्त किन लोगों की राजनीति के चलते उस कॉपी में थे और उसके बाद से सारे चित्रों को हटा दिया गया, अब बिना चित्रों की वो कॉपी जाती है, तो हमारी मांग यह है कि चित्रों में तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, संविधान में आप अमेंडमेंट करते रहिए, लेकिन उसके प्रोफाइल में आपने बदलाव क्यों किया है? तो हमने उनसे मांग ये की है कि जितने भी अमेंडमेंट हो उसके साथ में जब भी कॉपी छपे तो वो तस्वीरें वहीं की वहीं 22 चित्र रहने चाहिए, और अगर आज का बच्चा उन चित्रों को देखता तो भगवान राम के बारे में सवाल नहीं पूछता। लॉ पढ़ने वाले बड़े बड़े लोग जो काला कोट पहन करके बहन बेटी भाई भतीजे को खुद ही अपॉइंट करते हैं, तो उनको भी पता होता कि संविधान में चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, इसलिए राम के ऊपर सवाल नहीं उठाते कि राम काल्पनिक हैं। सिर्फ इतना ही करना था, और यह मांग कभी भी उठ सकती थी, ये किसी पार्टी की किसी संगठन की मांग नहीं है, यह शुद्ध रूप से यह मांग है कि जब यह ओरिजिनल कॉपी में था तो इसको हटाया क्यों गया, क्योंकि उस वक्त चित्रों को डालते वक्त आरएसएस नहीं थी वहां पर, न विश्व हिंदू परिषद थी, न बजरंग दल था कि इनके डर के मारे डाल दिया गया हो, ऐसा कतई नहीं था। तो आप तो सुपर सेकुलर थे, आपने डाला फिर आपने निकाला क्यों? तो ये घटनाएं हैं जिससे हम ये मानते हैं कि हजारों हजारों साल पहले भी बहुत सारे लोगों ने समय समय पर सिर्फ अपना वो काम किया और ये सोच के चले गए कि आने वाली पीढ़ी अगर समझदार होगी तो इसको ही बेस बना करके आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने राम वाली, क्योंकि वो घटना हमारे और आपके जीवन काल में हुई है, हम जानते हैं हरिशंकर जैन साहब ने यह मुकदमा जब जीता था तो शायद उनकी नियत पूजा तक रही होगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके उस विजनरी थॉट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए कि हमारे यहां यह परंपरा है, हम ऐसे लोग हैं, अगर वो पूजा नहीं होती टेंट में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जो पिछले 92 से लेकर के 19 तक लोग पूजा करने किसकी आते हैं और धीरे धीरे इतिहास से फेड हो जाते हैं। और एक घटना बनारस में घटी, और उस दौर में भी कोई एक रानी आई और उसने सिर्फ अपना काम किया, लोग आए अपना काम करें, अगर उनके मन में राष्ट्र है, सनातन है, यहां की सभ्यताएं हैं, यहां के मूल हैं, परंपराएं हैं, यहां की आस्थाएं हैं, तो फिर वो राज्यसभा में जाने की टिकट नहीं मांगेगा कि मैंने यह किया है अब मुझे टिकट दो, यह नहीं होता। इसलिए एक मराठा महिला इंदौर की रानी बनी, उनकी शादी, उनका बचपन बहुत कष्टों में, उस पर जितनी मैंने खोज की तब मुझे पता चला कि ऐसा कतई नहीं है कि इतने आक्रांता आए थे, तमाम सारी चीजें थी, आज से भी ज्यादा भयानक स्थिति थी, तब भी उस वक्त भी लोगों ने कैसे अपना काम किया और चले गए। रानी अहिल्याबाई होलकर कहां महाराष्ट्र, कहां इंदौर और कहां बनारस, वहां से चल के आई और बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, ये सारा सोना जो है उस मुकुट पे उन्होंने लगवाया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है, जब उनको पता चला कि एक आतताई इस्लामिक जिहादी ने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित कर दिया है, तो मैं उनके उस भाव को आज के भाव से जोड़ना चाहता हूं कि उस वक्त उन्होंने उस खंडित मूर्ति को ठीक करके जहां आज बाबा विश्वनाथ है, जहां हम सब लोग आज दर्शन करने जाते हैं, ये वही है जो अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किए थे। यह 1780 की घटना है। वो करके सिर्फ इसीलिए चली गई कि खंडित अगर शिवलिंग की पूजा बंद हो जाएगी तो एक कालखंड ऐसा भी आएगा कि यहां पर यही नहीं पता चलेगा कि यहां कभी बाबा विश्वनाथ भी हुआ करते थे। वो ये करके गई। और मैं देखिए इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूं, एक लंबा समय हो गया, 1780 से आज 2020 हो गई। किसी को पता था क्या
बड़े बड़े धुरंधर बनारस से चुनाव जीते, एक से एक धुरंधर बनारस से गया, कौन बड़े से बड़ा आदमी यहां नहीं पैदा हुआ, जितना बौद्धिक यहां से गया कहीं और से नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भी एग्जैक्टली 239 साल के बाद एक घटना घटी और एक आदमी जो गुजरात से चुनाव जीत सकता था क्योंकि वहां से लगातार जीत रहा था, यहां से मैं उस आध्यात्मिक शक्ति की बात करता हूं, उसको कैसे मन में आया कि वो बनारस से जाके चुनाव लड़े।